वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2018 में जो 127 वैकेंसी आई हुई हैं उसका ऑफलाइन फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना पड़ेगा। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप आपका ऑफलाइन है तो वीडियो में चलते मैं आपको बताता हूँ आपको ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना पड़ेगा। जो इसकी मोर जानकारी है वो मैं आपको बाद में दूंगा, तो पहले ये बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पर राइट कॉर्नर में जो है अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देंगे और उसको आपको सेल्फ अटैच करना होगा, थोड़ा सा साइन फ़ोटो पर, थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद नंबर एक में नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, आपको अपना फुल ब्लॉक लेटर में नाम लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर में आपको अपना फादर्स नेम लिखना पड़ेगा, अगर फीमेल है शादी हुई है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर में आते हैं परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन, पोस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वीमेल जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। परमानेंट एड्रेस इनके कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही होता है, वो सेम आपको यहाँ पर नीचे भरना पड़ेगा। आते हैं पाँचवें नंबर में, आपको अपना जेंडर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आप फीमेल है या फिर मेल है। छठे नंबर में आता है आपका मटेरियल स्टेटस, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10वीं की मार्कशीट आदि में से देखकर, और उसकी सेल्फ अटैच कॉपी भी आपको फॉर्म में लगानी पड़ेगी। आठवें नंबर में आता है ए जोन, यानी कि 1/1/2018 को आप कितने वर्ष के हो चुके हो, कितने दिन के हो चुके हो और कितने मंथ के हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेशनैलिटी सभी की इंडियन होगी। नॉलेज, आप किसी नॉलेज के बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी या फिर उर्दू, यानी कि आप जिसे बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर 10वीं कॉलम में लिखनी पड़ेगी। आता है 11वीं कैटेगरी पे, यानी कि 11वीं कॉलम में आपको अपनी कैटेगरी लिखनी पड़ेगी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो यहाँ पर आप फिलअप कर दोगे। अब आता है आपका 12वें नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सबसे पहले HSC या मैट्रिक क्लास यानी कि बोर्ड, उसका बोर्ड लिखना पड़ेगा जहाँ से आपने 10वीं क्लास पास की। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने इसे पास किया। टोटल मार्क्स, उसे पास करने के लिए टोटल मार्क्स कितने थे। मार्क्स सिक्योर, आपने कितने उसमें मार्क्स प्राप्त किए। पाँचवें नंबर पर आता है मार्क्स सिक्योर यानी कि इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑप्शनल यानी कि अतिरिक्त विकल्प सही, वो आप भरो या ना भरो कोई आपकी मर्जी है। मार्क डिवीजन में आपको जितने मार्क मिले उनका डिवीजन क्या होना चाहिए। रीमैक यानी कि कोई टिप्पणी इस पर अपना करना चाहते हो या नहीं तो आप नो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह प्लस टू, उसी तरह आपका ग्रेजुएशन, BEd, जो भी आपकी पास क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन लिंक होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अच्छी तरह से उसे पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद आता है 13वां कॉलम, स्पोर्ट अवार्ड नेशनल या स्टेट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, यानी कि 5वें नंबर की जो पोस्ट है उसमें स्पोर्ट अवार्ड भी आपको रखते हैं या फिर नहीं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। 15वें नंबर पर आता है आपका आर्ट इन कल्चर, ये होगा नेशनल या फिर स्टेट, आपको यहाँ पर प्रूफ कॉपी लगानी पड़ेगी एप्लीकेबल फॉर द SI नंबर 06 के लिए। उसके बाद आता है आपका 15वें नंबर में एक्सपीरियंस, यहाँ पर अगर आप कोई एक्सपीरियंस किस चीज़ के लिए रखते हैं तो यहाँ पर आप उसे फिलअप कर देंगे, जो कि सर्व शिक्षा अभियान वाले बोर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट आपको करने पड़ेंगे, आपको अपनी सेल्फ अटैच कॉपियाँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी, जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टर्मिनेशनल, स्पोर्ट, आपका अगर एम्प्लॉय एक्सचेंजमेंट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर इसमें लगानी पड़ेगी एप्लीकेंट के लिए। और आपको इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप कर कर वो तो मैं बता ही चुका हूँ, और आपको किस तरह से इसे भेजना होगा वो मैं आपको बताऊँगा। डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं, 1-2 नंबर NBB आप पढ़ के अच्छी तरह फॉर्म को फिलअप करें। डेट यहाँ पर प्लेस लिख देंगे, यहाँ पर डेट लिख देंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे। आपको पोस्ट कैसे करना वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट डेस्क पढ़ सकते हैं, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पर रखी गई है वो यहाँ पर सबको आप नोटिफिकेशन में दिखाई देगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कि आप अपने फॉर्म को जो है
किस तरह से फिलअप कर चुके हो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और भेजना किस तरह है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अपनी सेल्फ अटैच कॉपियाँ होंगी आपको एक लिफाफे में बंद करनी पड़ेगी। एक तरफ उसमें अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा और दूसरी तरफ आपको लिखना पड़ेगा इनका एड्रेस जहाँ पर आपको अपने फॉर्म को भेजना होगा। द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर RTESSA, आपका ये राज्य का पिन कोड 76501 रोड। आपको रजिस्टर पोस्ट के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको अपने फॉर्म को एक लिफाफे में बंद कर वहाँ पर भेजना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर आप लिख देंगे अप्लाइड फॉर द पोस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी जानकारी आप देखना चाहते हो तो इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।